हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेणु खंतवाल और आप देख रहे हैं गार्डन गार्डन। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा स्पेशल है क्योंकि ये एक फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ और इस फर्टिलाइज़र का नाम है नीम खली। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको नीम खली के बारे में काफ़ी सारी डिटेल देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊँगी कि नीम खली क्या है, ये हमारे पौधों के लिए क्यों ज़रूरी है, आप घर में कैसे नीम खली बना सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आप नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र घर में खुद कैसे बना सकते हैं और उसे आपको कैसे यूज़ करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नीम खली में फास्फोरस, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटास, कैल्शियम, नाइट्रोजन जैसे कई सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसीलिए हमें अपने गार्डनिंग में नीम खली को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं नीम खली है क्या। नीम, जैसे आप जानते हैं, ये नीम से बना होता है, इसलिए इसे नीम खली बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि आपके ये नीम खली आप बहुत इजीली मार्केट से भी ले सकते हैं, मतलब आप किसी ऐसी शॉप जहां गार्डनिंग का सामान मिलता है, खाद मिलती है, वहां से ले सकते हैं। आप जो वो नर्सरी होती है वहां से ले सकते हैं, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, और आप सबसे बेटर तो ये है कि आप इसे खुद ही घर में बना लें क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आपके घर के आसपास नीम के पेड़ तो होंगे ही होंगे क्योंकि नीम का पेड़ इजीली हर जगह उपलब्ध होता है। तो आप उस नीम के पेड़ में जब भी उसकी ऐसे कटिंग होती है या वो पौधे पेड़ से नीचे झड़ जाते हैं, टहनियाँ झड़ जाती हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है नीम की सूखी पत्तियाँ, है ना, आप देख रहे हैं। ऐसे आपने कई देखे होंगे घर के नीचे बगीचे में गिरी हुई। इसमें आप देख रहे हैं, ये निम्बोली है, ये देखिए, ये निम्बोली है जो कि सूख चुकी है ना। और अगर मान लो जैसे ये तो सूखे हुए पत्ते हैं, इन केस आपको इसमें हरे पत्ते भी, कोई डाल टूटी हुई मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसे बस सुखाना है। ये सूख के पीली हो चुकी है, और अगर मान लो सूख के हरी भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि है तो वो नीम ही। तो ये सूखे हुए पत्ते हैं इसलिए पीले हैं, आप हरे भी यूज़ कर सकते हो। आपको इस तरह का वो लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे घर में कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे मेरा ये है, अब मैं इसमें क्या करूँगी कि जो निम्बोली है, निम्बोली अलग कर लूँगी, ठीक है, जितने भी निम्बोली इसमें से हैं वो मैं अलग कर लूँगी। अगर आपको निम्बोली नहीं मिलती, सिर्फ पत्ते पत्ते मिलते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप सिर्फ पत्तों से भी बना सकते हैं, और अगर आपको निम्बोली भी मिल जाती है तो और बढ़िया, आप निम्बोली से भी बना सकते हैं। मैंने आपको अलग करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि ये है थोड़ी सी सख्त, जब ये सूख जाए निम्बोली से अच्छे से कड़क सुखा लीजिए, उसके बाद आप इसे ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बना, मतलब पाउडर बना लीजिए, तो इसका आप निम्बोली का पाउडर बना लेंगे। और क्योंकि पत्ते बहुत हल्के होते हैं तो इन पत्तों को, बल्कि ये जो टहनियाँ हैं इनको भी बारीक बारीक तोड़ के, ये जो है ये डंडी इसकी, इसको भी तोड़ के, अगर आपके घर के नीचे ही नीम का पेड़ है तो इस तरह की छाल होती है, आप उस छाल का भी इस्तेमाल इसे बनाने में कर सकते हैं। क्योंकि ये डंडा है तो इसको, ये थोड़ा सख्त है, इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके आप मिक्सी में डाल सकते हैं, और इन टहनियाँ जो डंडियाँ हैं इन्हें भी डाल सकते हैं, और पत्ते, इन सबको मिक्स करके आप उसमें मिक्सी में अच्छे से इसका पाउडर बना लें, यानी निम्बोली का भी और पत्तों का भी बना लें। और अगर आपको निम्बोली मार्केट से ख़रीदनी है तो आप सिर्फ निम्बोली का भी बना सकते हैं, आप इन दोनों का भी बना सकते हैं, आप इन दोनों को मिक्सी में डाल के मिक्स भी कर सकते हैं। तो आपकी क्या आपको मिलेगी, ये इसका लुक ऐसा हो जाएगा जब आप इसे, ये तो मतलब काफ़ी अच्छे से सूखा हुआ है, तो आपका ये इस तरह से इसका लुक आएगा जब आप इसे सुखा के अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे, तो ये आपकी नीम खली तैयार हो जाएगी। तो देखिए कितनी आसान है, नीम तो मिलना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये होगी हमारी नीम की खली तैयार, ठीक। लेकिन मैंने ये मार्केट से खरीदी है, मैं इसे घर पे भी बना सकती हूँ, दोनों मेथड जो आपको आसान लगे वो। अब हमें ये है कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ इसको बहुत ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि कीटनाशक है, तो इसे हम लेंगे इतना, यानी कि करीब एक चम्मच के करीब लेना है, और डालना है उस पौधे में जिसमें आपने गुड़ाई की है। मैंने इस पौधे में अभी गुड़ाई की थी थोड़ी देर पहले, तो अब मैं करीब एक चम्मच के करीब, एक बड़ी चम्मच के करीब ये लूँगी, और इसके चारों तरफ
नीम खली को डाल दूंगी। ठीक है, नीम खली डालने के बाद आप इसमें डालेंगे पानी, ताकि जो आप, और ये आप याद रखिए कि बिना गुड़ाई के आप इसे नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर वो ऊपर ही ऊपर रह जाएगा। अगर आपने गुड़ाई की होगी तो मिट्टी खुदी हुई है और आपने उसमें डाला, फिर आपने पानी डाला, तो वो नीम खली का जो रस है पूरा नीचे तक जाएगा, जड़ों तक जाएगा। अब मैं बताती हूँ आपको नीम खली के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, नीम खली के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम जो आए दिन अपने पौधों में 10 तरह के रोग देखते हैं, ये उन सभी रोगों के निवारण में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे ये फंगस लगने से बचाता है, आपके गमले में चींटियाँ लग जाती हैं कई बार गार्डन में, लोग बड़े परेशान होते हैं, तो आप इसमें डाल इसे लगाएंगे तो चींटियाँ नहीं आऊँगी। ये दीमक से बचाता है, अलग अलग तरह के कीड़ों से ये बचाता है। दूसरा क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि आपका पौधा ठीक ठीक ग्रो कर रहा है या आपकी बेल ठीक से ग्रो कर रही है, लेकिन अचानक क्या हुआ, उसमें से वो हरी भरी जो पेड़ है या हरा भरी जो बेल है वो अचानक सूखनी शुरू हो जाती है, और वो सीखनी वो जो सूखती है वो इसलिए सूखती है क्योंकि हम कई तरह के, जैसे पत्तों के भी कई सारे रोग हैं, वैसे जड़ों के भी कई सारे रोग होते हैं। एक रोग होता है जिसमें जो जड़ें हैं उसमें गांठें पड़ जाती हैं, उसकी वजह से हरा भरा पौधा भी हमारा सूख जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आप रेगुलर गार्डनिंग करते हैं, कि आपका पौधा अच्छा भला चल रहा था लेकिन वो सूख, अचानक बेल सूख गई। तो जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये जो पौधे की जड़ है उसकी हेल्थ को बहुत अच्छा बनाकर रखता है, और जो गांठें पड़ती हैं जड़ों में जिस वजह से पौधा ख़राब होता है उसको भी ठीक करता है। तो ये नीम खली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके अलावा जब अगर आप इसे फूलों के पौधे में डालते हैं, ये तो ये फूलों का जो साइज़ है उसका काफ़ी अच्छा कर देता है, उसकी क्वालिटी अच्छी कर देता है। और अगर आप इसे सब्जियों के या फलों के पौधों में डालते हैं तो उसकी जो उत्पादन क्षमता होती है पौधे की, जो आपको रूटीन में मिल रहा था, जितनी फ्रूटिंग हो रही थी उससे थोड़ी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब पौधे को एक अच्छा पोषक तत्व उसे मिल रहे हैं, जब उसमें कोई रोग नहीं है तो वो अच्छे से ग्रो तो करेगा ही करेगा। ये मिट्टी में भी जो 10 तरह की काई वाई जम जाती है उसको भी दूर करता है। अब बात यह है कि हमें कब देना है और कितना देना है। कितना देना है वो मैंने आपको बता दिया, और अगर जब आप जैसे गमले के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार कर रहे हैं उस समय भी आप नीम खली को उसमें, जैसे आप पॉटिंग मिक्स तैयार करें तो उसमें नीम खली को भी आप इस्तेमाल करें साथ में। आप इसमें दीजिए इसे, जैसे गुड़ाई कर रहे हैं 15-20 दिन में आप गुड़ाई करते ही करते हैं, तो 15-20 दिन के अंदर आप इसे दीजिए। और किसी कारण से आप देना भूल जा रहे हैं तो कम से कम एक महीने में एक बार तो आप इसे ज़रूर दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे की हेल्थ अच्छी रहे। तो ये है इसके फ़ायदे, और बहुत बनाना आसान हो गया है इसे, जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि नीम खली जो है, बल्कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे ना तो आप इसके खुद ही बेनिफिट देखेंगे कि कितने बेनिफिट इसके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी खुद घर में तैयार कर सकते हैं। इसे मैं हटा लेती हूँ। दोस्तों, ये है एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो कि 2 लीटर की है, इसमें मैंने पूरा पानी नहीं भरा, मैंने इसमें से थोड़ा सा पानी कम रखा है। अब इसमें क्या करना है आपको, मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसमें इसका ये जो मुंह है वो छोटा है, तो आप इसे ऐसे इसकी कुप्पी से तैयार कर लीजिए, ठीक है, और इसे अंदर डाल दीजिए। ये करीब 1 कप के करीब है हमारा नीम खली, आपको इसे इसमें डालना है। आपने इसमें डाल दिया, ये काम चलाऊ काम है जुगाड़, तो इसमें आपने ये डाल दिया। अब इसका आप लगा लीजिए ढक्कन, और इसे अच्छे से हिला दीजिए। इस मिश्रण को आप 3-4 दिन तक रखे रखिए, तब तक ये जो नीम खली है इसका जो अर्क है, इसका रस है, जो इसका इसके अंदर जो व्याप्त सारी गुण हैं वो पानी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ठीक है।
तो 3 दिन के बाद जब ये तैयार हो जाए तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको आपके पत्तों में दिक्कत है या जड़ों में दिक्कत है, आप इसे किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको इसे देना है जड़ों में तो आप क्या करिए, जैसे कि 3 दिन के बाद, 3 दिन मान लो ये 3 दिन हो चुके हैं, उसके बाद आप इसे खोलिए। जैसे आपने जो भी आप नाप के लिए कोई अपना बर्तन लेंगे, मग लेंगे या कप लेंगे, उससे 10 गुना ज़्यादा पानी रखिए और 1 भाग ये रखिए, यानी कि 1 भाग ये और 10 भाग पानी, उसमें इसे मिक्स कर दीजिए और उस जो लिक्विड हमारा फर्टिलाइज़र बनेगा उसे दीजिए जड़ों में, ठीक है। उसके लिए आपको कोई छाने वाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसे बिना छाने भी कर सकते हैं। ये है जड़ों में देने का तरीका। अगर आपके पत्तों में कोई दिक्कत है और आपको पत्तों में इसका नीम खली का छिड़काव करना है तो आपको क्या करना होगा, इसे छान लेना है और छानने के बाद आप अपनी बॉटल में इसे डालिए जिससे आप स्प्रे करते हैं, और उसके बाद पत्तों में जो जो दिक्कतें हैं आपको पत्तों में आप इसे छिड़क सकते हैं। छानना इसलिए ज़रूरी है कि इसके जो कण हैं वो फिर बॉटल में को ख़राब कर देते हैं, तो आप इसे छान के यूज़ करिए। तो ये थे आज नीम खली के कुछ फ़ायदे जो मैंने आपको बताए, और ये बहुत ही शानदार ऑर्गेनिक फंगिसाइड है, और आप इसे यूज़ करिए, आप इसके बेनिफिट देखिए, आपको बहुत अंतर नज़र आएगा अपने पौधों में। तो देखते रहिए गार्डन गार्डन, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और थैंक यू वेरी मच।